गुड मॉर्निंग गाइस, मुझे बस 2 मिनट दीजिए। हे गाइस, तो अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार, हरि के द्वार। तो अंततः हम लोग पहुंच चुके हैं हरि के द्वार। अभी फिलहाल यहाँ पे हर की पौड़ी जो है, जहाँ पे गंगा स्नान होता है, घाट घाट कह सकते हैं आप, वहाँ से लगभग 200 या 300 मीटर की दूरी पे ही मैंने अपना एक ले लिया है होटल, या आप धर्मशाला कह सकते हैं, जो कि मात्र हम लोग को पड़ा है 350 रुपये। 350 रुपये में पूरा एक रूम है और टॉयलेट भी इसी से अटैच है। आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये रूम नंबर 15 हम लोग को मिला है। आइए चलते हैं। और ये है रूम अपना, आप देख पा रहे हैं, ये सामने विंडो है। इसी पे पकड़ के आप सीधा चले जाइए, लगभग 200 या 300 मीटर की दूरी पर ही हर की पौड़ी हमको मिल जाएगी। और टॉयलेट में आपको दिखा देता हूँ, ये टॉयलेट है आपका। और ये हैं जो बीच में सो रहे हैं, ये हमारे सुप्रसिद्ध तट जी, उनके लेफ्ट में हैं, सॉरी मेरे लेफ्ट में हैं मिश्रा जी। मात्र 350 रुपये में, जो कि 200 या 300 मीटर की दूरी पर है। इस धर्मशाला का पूरा इन्फॉर्मेशन मैं लिंक में दे दूंगा, जाट धर्मशाला करके नाम है इनका, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं लिंक में डाल दूंगा, ताकि आप यहाँ आने से पहले इनके इनसे कॉन्टैक्ट करके आप पहले से ही रूम बुक कर सकते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको कुंभ के इतिहास के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। कुंभ जिसका शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा, सुराही या बर्तन। कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर कुंभ पर्व पर, जो कि भारत में 4 स्थानों पर लगते हैं, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन पर स्नान करते हैं। महर्षि दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता काफ़ी कमज़ोर हो गए, तब दानवों ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया। परेशान होकर देवताओं ने विष्णु भगवान के पास गए और वहाँ पर उन्होंने उनसे कुछ राय मांगी। तब विष्णु भगवान ने ये सलाह दी कि आप दानवों की मदद से समुद्र मंथन कीजिए। तब सभी देवता और दानव मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत कलश की तलाश में जुट गए। समुद्र मंथन से अमृत कलश के प्राप्त होते ही इंद्रपुत्र जयंत ने अमृत कलश को लेकर हवा में उड़ गए। अमृत कलश के प्राप्त होते ही देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र जयंत आकाश में उड़ गए। तब दानवों के गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार सभी दानवों ने जयंत का पीछा किया अमृत कलश के प्राप्त के लिए। काफ़ी जद्दोजहद के बाद दानवों ने जयंत को बीच रास्ते में ही पकड़ लिया और तब अमृत कलश पर अपने अधिकार बनाने के लिए दानवों और दैत्यों में 12 दिनों का युद्ध हुआ। और उसी युद्ध के बीच अमृत कलश से 4 बूंदें धरती पर आ गिरी और ये 4 पवित्र स्थान भारत के प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में बने। देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, अर्थात देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्ष के बराबर होते हैं। इसलिए प्रत्येक 12 वर्ष पर हर बार इन 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। तो ये थी महाकुंभ से जुड़ी पौराणिक कथा। तो अब इस कथा के पश्चात करते हैं गंगा घाट की ओर, हर की पैड़ी। चलिए फिर फटाफट चलते हैं आगे, फिर हम ये बाहर। जिस तरफ से हवा तेज आए, समझ लीजिए गंगा नदी उधर ही बह रही।
अभी फ़िलहाल हम लोग घाट पे आ गए हैं और इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो धूप काफ़ी है। मैं भी एक टी शर्ट में ही घूम रहा हूँ और भीड़ भी उतनी नहीं है, आप खुद देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी है। आप देख पा रहे हैं मेरी भीड़, पीछे भीड़ का बहाव देखिए आप, गंगा नदी का बहाव। यही तरीका है नहाने का, साइड साइड चेन लगी है, आपको चेन पकड़ के ही नहाना है ताकि कोई लोग बहाव में बह न जाए। सिक्योरिटी का खैर ध्यान दिया गया है, लेकिन फिर भी नदी का बहाव इतना तेज है कि इसमें काफ़ी रिस्क है नहाने में। अभी रिसेंटली जो चमौली उत्तराखंड में घटना हुई है, ग्लेशियर फटा है, उसी की वजह से गंगा नदी काफ़ी पॉल्यूटेड हो गई है और पानी पहले की अपेक्षा काफ़ी गंदा हो गया है। पहले पानी काफ़ी साफ बहता था क्योंकि वो कंटिन्यूसली बहता रहता था, अभी भी बह रहा है, लेकिन अब ग्लेशियर जो फटा था वो भी इससे मिल के आ रहा है, जिसकी वजह से पानी काफ़ी गंदा हो चुका है। ये आप देख सकते हैं सरकार द्वारा की गई सुरक्षा के इंतज़ाम, चेन को यहाँ पे लॉक कर दिया गया है और इसी चेन के थ्रू आप स्नान कर सकते हैं। बहाव आप देख ही रहे हैं, मैं एक बार आपको बहाव के दर्शन करा देता हूँ। डमरू पाए हैं फ्री का, वो भी खरीदे भी रही है बजा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि नया नया एक्सपीरियंस है इनका। तो ये थी अभी आपके सामने हुई हर की पौड़ी में गंगा आरती। तो बोलो हर हर गंगे नमामि गंगे। मैंने लाइव प्रस्तुत किया है आपके सामने, आप खुद देख पा रहे हैं मेरे पीछे पूरी भीड़ है। यहाँ सच कह रहा हूँ, अगर आपके लाइफ में कभी भी ये मौका मिले तो यहाँ की आरती ज़रूर अटेंड कीजिएगा। ये अपने में एक अलग और नया एक अनूठा एक्सपीरियंस है जो आज पहली बार मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो ये थी आज की हमारी गंगा आरती, आपने खुद देखा लाइव आकर आज की ये गंगा आरती कराने में, आपको लाइव दिखाने में सफल रहा।
और यहाँ आप खुद देख पा रहे हैं कितने लोग इकट्ठे हुए हैं इस भीड़ में, आप खुद देख पा रहे हैं। ये अभी तक का हम लोग के पूरे ट्रिप का पूरा बेस्ट सीन था, बेस्ट व्यू, बेस्ट सीन। जय हो, जय हो। अब आरती से हम लोग निकल कर अब रुख कर रहे हैं अपने आश्रय की ओर। अब आरती से हम लोग निकल कर अब रुख कर रहे हैं अपने रूम की। Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.